जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए, और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है। सीहोर जिले के भेरुंदा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने बड़ा बयान देते हुए आलोचकों पर जमकर हमला बोला है। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कार्तिकेय चौहान ने कहा कि इस दुनिया ने हमारी बहुत परीक्षा ली है, लेकिन ऐसे विपक्षी और बुद्धिजीवियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम प्रदेश की जनता ने किया है। आइए आपको सुनाते हैं कार्तिकेय चौहान ने क्या कहा। साथियों, इस दुनिया ने हमारी बहुत परीक्षा ली है, और हमारी मैं इसलिए शब्द का उपयोग करता हूं क्योंकि मैं आप में, मुझ में, माननीय केंद्र मंत्री जी में, हम सब में मैं कोई फर्क नहीं देखता हूं। हम सब अनेकों जिस्म और एक जान है। कार्तिकेय चौहान के बयान के कई मायने निकले जा रहे हैं। उन्होंने इशारों ही इशारों में उन लोगों को जवाब देने की कोशिश की है जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर सवाल उठाए थे। कार्तिकेय चौहान ने अपने बयान से ये बताने की कोशिश की है कि एमपी में शिवराज सिंह चौहान जैसे कोई और नेता नहीं हो सकता, दिल्ली भी उनके आगे नतमस्तक है। शिवराज ने विदिशा लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता प्रताप भानु शर्मा को 800,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। जीत के बाद कार्तिकेय चौहान अभिनंदन समारोह को संबोधित करने भेरुंदा पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह भी वहां मौजूद थी। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को अंत में केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोबाइल से संबोधित किया था।